अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद तारिक और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हमने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे कैसे काम करना है। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन जो है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, यूट्यूब चैनल पर अपलोड है कि आपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करना है। ये लेक्चर ऑलरेडी मेरे वीडियोज़ में पड़ा हुआ है, तो मैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन नहीं कर रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्वर मैनेजर में कैसे काम करेंगे, सर्वर मैनेजर को हम कैसे ओपन करेंगे। इसके ओपन करने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। पहले जब भी आपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करना है तो वो सर्वर मैनेजर जो है ऑटोमेटिकली जो है वो लोड होता है। अगर नहीं आ रहा, आप यहाँ भी सर्च कर रहे हैं, मैं देखिए यहाँ पर SERVER सर्वर मैनेजर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये देख आ गया सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर को हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से भी नहीं मिल रहा, आप सम टाइम ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को हो सकते हैं और कह रहे हैं कि सर ये नहीं आ रहा यहाँ से भी, तो आप इस तरह करें, कंट्रोल पैनल में जाएं और कंट्रोल पैनल में यहाँ प्रोग्राम्स में जाएं और प्रोग्राम्स में या विंडोज़ फीचर्स ऑन ऑफ, सर्वर मैनेजर जो है आपके सामने ऑन हो जाएगा। आज का जो हमारा टास्क है, जो स्टोरी है कि हमने एक्टिव डायरेक्टरीज़ और DNS सर्वर को कैसे इंस्टॉल करना है, यानी ये फीचर्स जो है हमने कैसे ऑन करना है। यहाँ पर हमारे पास ये फीचर्स अभी तक ऑन नहीं है, हम एक्टिव डायरेक्टरीज़ पर भी काम करेंगे और सर्वर मैनेजर पर भी काम करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरीज़ हमारे पास जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी जो थ्योरेटिकल टॉपिक है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ वर्बली। एक्टिव डायरेक्टरीज़ में हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं, जो सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, उनका जो डेटा है वो इसके अंदर सेव होता है, फाइल का डेटा, उनके डेटा बेसिस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्टिव डायरेक्टरीज़ के अंदर हम स्टोर करते हैं, यानी ऑटोमेटिकली स्टोर होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट, इसका काम क्या है, सर्वर ऑपरेटिंग हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन आपके जहन में बार बार आएगा कि सर हमारे पास और ऑपरेटिंग सिस्टम्स है तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें क्या ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए ये फीचर जो है ये नॉर्मल ऑपरेटिंग यानी जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है इसमें ये फीचर्स अवेलेबल नहीं होते। ये सर्वर मैनेजर जो है ये ओनली सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, ये और सिस्टम्स के अंदर नहीं होता, यानी और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर आप ये नहीं देख सकेंगे। एक काम ये, इसका एक जवाब ये। दूसरा जवाब ये कि लेट सपोज मैं आपको एक रियल सिनारियो समझाता हूँ। एक लैब है, उस लैब के साथ आप क्या करेंगे, कनेक्टिविटी करेंगे सिस्टम का। एक हमारे पास दो तरह के नेटवर्क्स हमारे पास है, एक है पीयर टू पीयर जो हम एक नॉर्मल स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको दिखाया था कि हमने पीयर टू पीयर नेटवर्क भी बनाया था, और आज हम जो करने जा रहे हैं वो एक सर्वर बेस ऑफ नेटवर्क। तो सर्वर बेस्ड नेटवर्क में ये काम होता है कि एक सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है और उस कंप्यूटर से सारे सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं, और ये सारे सिस्टम जो है इस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम से हम कंट्रोल करते हैं। उस पर हम मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज, उसमें मुख्तलिफ किस्म के रिस्ट्रिक्शंस हम सर्वर के ज़रिए वो मैनेज करते हैं। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं, ये मैंने आपको एक वर्बली थ्योरेटिकल समझाया, ठीक है। अच्छा, अब हम ये फीचर्स और रोल हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर आ जाए, ये आपको ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, ये देखिए डैशबोर्ड, ये पूरा डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, तो यहाँ पर मैंने डैशबोर्ड पे क्लिक किया हुआ है। अगर आप लोकल में आ जाए तो आपके सिस्टम्स का नेम वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ आ गई, ठीक है। पहले आप लोगों ने क्या करना है, सिस्टम का नेम चेंज करना होगा, वो हम कैसे चेंज करेंगे आई विल टीच दिस। और फिर ऑल सर्विसेज, यह देख सारे सर्विसेज मौजूद है, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज, ये सारे सर्विसेज यहाँ मौजूद है, बट नॉट हम ये चीज़ जो है वो आगे करेंगे। पहले मैं डैशबोर्ड में आ गया हूँ, डैशबोर्ड में आप लोगों को ये नज़र आ रहा है ऐड रोल एंड फीचर्स, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, और एक आप आ जाए मैनेज पे, और यहाँ पर आप ऐड रोल एंड फीचर्स यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप लोगों ने क्लिक कर दिया तो वो आपसे सेम फंक्शन परफॉर्म करेगा। इस पे क्लिक करें,
हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हम एक्टिव डायरेक्टरीज को और डोमेन सर्विस को हम इंस्टॉल करते हैं। पहले एक्टिव डायरेक्टरीज के बारे में तो मैंने बता दिया, तो आइए पहले एक्टिव डायरेक्टरीज जो है हम इंस्टॉल करते हैं। उस पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन। ये काम हो गया। एक है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, ये मैं बाद में समझाऊंगा, ये ऑप्शन अभी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो आप लोगों ने पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना होगा, ये पहला वाला ऑप्शन इसी तरह चेक रहने दें, दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट ना करें और नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पर जो फीचर्स हमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं, वो हमारे पास दो तरह के फीचर्स है, एक है एक्टिव डायरेक्टरीज और एड फीचर्स पे क्लिक करें, दूसरा हमारे पास है DNS सर्वर और उसके एड फीचर्स पे क्लिक करें। तो ये दो काम आज हम करने जा रहे हैं। पहले मैं एक्टिव डायरेक्टरीज को इंस्टॉल करूंगा और फिर DNS के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि DNS क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने नेक्स्ट कर दिया इसको, दोबारा नेक्स्ट करें और दोबारा नेक्स्ट करें, ये विजिट चलाते रहें और इसको भी रहने दें, इस तरह से चेक कर दें। रिस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ़ रिक्वायर्ड। जब भी आपके ये फीचर्स इंस्टॉल हो जाएं तो आपका सिस्टम आपसे रिस्टार्ट ऑप्शन मांगेगा, तो ये आप लोगों ने ज़रूर रिस्टार्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इसको क्या करें, इंस्टॉल करें। तो ये देखें इंस्टॉलेशन शुरू हो गई, इट विल टेक सम टाइम, सो आप लोगों ने वेट करना होगा, बट ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम पर कि आपका सिस्टम कितना तेज़ है, ठीक है। सिस्टम रिक्वायरमेंट इसके लिए कम से कम होनी चाहिए 8 GB रैम, और अगर 16 GB हो तो और भी बेहतर होगा, और अगर आपका हार्ड एक्स है तो SSD हो या HDD हो तो दोनों एक्सेप्टेबल है, लेकिन सिस्टम स्पीड जो है वो आपका SSD से आएगा और ज़्यादा रैम से आएगा, और प्रोसेसर कम से कम Core i5 तक हो या Core i3 पर भी काम चलेगा, लेकिन आपका सिस्टम जो है, मेरे पास जो सिस्टम है वो 16 GB रैम है इसमें, क्योंकि ये मैंने तेज़ रखा हुआ है, इस पर मैं प्रैक्टिकल लैब्स बना रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। सो ये फीचर्स इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोग्रेस में है, ये काम जब जैसे ही ये फिनिश हो जाए तो उसके बाद आपको मैं एक और स्टेप से समझाता हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरीज के बाद हमने डोमेन कैसे बनाना है, डोमेन के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये इंस्टॉल होने दें, बाद में फिर मैं आपको डोमेन्स के बारे में समझाऊँगा। सो ये हमारे पास कि हमने एक फीचर्स को एड्स कैसे करना, सो दिस इज़ द मेन पॉइंट, क्लियर। इसको इंस्टॉल करने दे पहले, ये देखिए ये कह रहे कि ये इंस्टॉल हो गया, इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया, ये इंस्टॉल होगी। अब क्या करेंगे, इसको हम क्लोज करेंगे और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, इसको भी ख़त्म करें, यहाँ पर आ जाएं। ये आपसे कह रहा है कि आपका जो एक्टिव डायरेक्टरीज है वो इंस्टॉल हो गया। दूसरी बात हमने क्या करना है, डोमेन को इंस्टॉल करना है। डोमेन इंस्टॉल हो गया, डोमेन पे काम करना है। Another thing is that कि हमने अपने इस रियल सिस्टम को, अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने डोमेन में कैसे कन्वर्ट करना है, एज अ डोमेन ये कैसे काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन के बारे में ज़रा सुन लें, डोमेन क्या है। हमारे पास एक एनवायरनमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये फॉरेस्ट है, यानी फॉरेस्ट इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा और उसके अंदर सब डिविजन्स होंगे, तो उन सब डिविजन्स को हम डोमेन कहते हैं। मैंने एक डोमेन बना दिया, जिस तरह के मैं कहूँ कि HR डिपार्टमेंट, उसका अलग डोमेन होगा, अगर मैं कहूँ कि IT डिपार्टमेंट, उसका अलग डोमेन होगा, तो मुख्तलिफ कैटेगरीज में हम इस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बनाएंगे, तो इसको हम डोमेन कहते हैं, और डोमेन के ज़रिए हम अपने सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। ये डोमेन की थोड़ा सा खुलासा है। हम अपने सिस्टम को प्रमोट कैसे करेंगे, हाउ टू प्रमोट आवर सिस्टम। प्रमोट मीन हम इस रियल ऑपरेटिंग सिस्टम से, यानी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को एज अ डोमेन कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे हम इसको प्रमोट करेंगे। तो प्रमोट इस ऑप्शन पे क्लिक करें, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ये ऑप्शंस क्या करेंगे आप लोगों ने, एड न्यू फॉरेस्ट पे क्लिक करें। देखिए फॉरेस्ट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए फिर हम डोमेन्स क्रिएट करते हैं। तो मैंने एक फॉरेस्ट ऐड कर दिया और ये मुझसे मांग रहा है कि
रूट डोमेन नेम। रूट डोमेन का नेम ये, आपने इसको एक नेम देना है। तो मैंने नेम दे दिया कोड टेक डॉट कॉम, या आप लोकल लिख सकते हैं या कोई भी डोमेन नेम आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और अब इसको मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। ये डोमेन नेम आप ये ज़रूर याद रखें क्योंकि इस पर मैं आगे काम करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट कर दिया मैंने और ये थोड़ा सा प्रोसेस चलेगा इस पर क्योंकि ये आगे नेक्स्ट ऑप्शन हमें दे रहा है। इट टेक्स सम टाइम। ये प्रोसेस है तो इसके लिए आप लोगों ने ज़रूर वेट करना होगा। अच्छा, ये प्रोसेस भी हो गया। ये मुझसे कह रहा है कि आप टाइप द डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर DSRM पासवर्ड। इसको एक ऐसा पासवर्ड दे दे कि अगर आपके डोमेन सर्विस के कुछ फीचर्स है अगर वो लास्ट हो गए तो आप इसके ज़रिए आप इसको रिकवर कर सकते हैं। तो इसको आप कोई सा भी पासवर्ड दे दे, तो मैं दे रहा हूँ कोई सा भी पासवर्ड। ये पासवर्ड आप लोगों ने फिर रिकवरी के टाइम याद रखना होगा। तो मैंने कोई भी पासवर्ड दे दिया, लेकिन इसको स्ट्रांग पासवर्ड दिया करें ताकि आपका जो सिस्टम है वो सही तरीके से आगे प्रोसीड हो जाए। और इसको नेक्स्ट कर दें और दोबारा नेक्स्ट कर दें इसको। नेट बायोस नेम ये खुद ब खुद जो डोमेन नेम है आपका वो उठा लेगा। इसके ज़रिए आपके जो कंप्यूटर्स है वो कनेक्ट हो सकते हैं। सो ये भी एक प्रोसेस, ये ऑटोमेटिकली जो आपने वहाँ डोमेन नेम दिया हुआ है वो यहाँ आ जाए। ये देखिए कोड टेक नेम मैंने दिया हुआ है, डोमेन है मेरे पास। नेक्स्ट कर दिया मैंने अब इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज है, फोल्डर्स है, फाइल्स है, वो लॉग्स हैं। आपका जो ये जो एक्टिव डायरेक्टरीज के जो फाइल सेव होंगे ना सर्वर में, वो सी में हमेशा सेव होंगे। ये इंटरव्यू बेसिस के लिए भी ये क्वेश्चन याद रखा करें। विंडोज़ और NTDS में इस तरह के आपके फाइल्स, फोल्डर्स वगैरह ये सारे पार्टीशंस के अंदर, सी पार्टीशंस के अंदर स्टोर होंगे। इस पे नेक्स्ट करें और फिर दोबारा नेक्स्ट करें। इस पे मैंने नेक्स्ट कर दिया दोबारा नेक्स्ट। ये कुछ प्री रिक्वेस्ट चेक करेगा कि आपका जो काम जो है वो चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये इसकी समराइज करना चाहता है इसको, तो इसको हम अभी देखते हैं कि ये टिक बन गया या टिक नहीं बना हुआ है। तो अगर ये टिक नहीं बना हुआ तो वो आपको एरर देगा, और अगर टिक बना हुआ है तो आपको यह ग्रीन चेक देगा, ठीक है ना। सो इट टेक्स टाइम, यू हैव टू वेट फॉर दिस बिकॉज आई हैव ओपन 5 VMs इन माई कंप्यूटर, सो दैट्स वाई इट टेक्स। ये देख, ऑल रिक्वेस्ट चेक्स पास सक्सेसफुली। तो ये मेरा जो डोमेन है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल कर दे इसको तो ये इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो जाएगी। तो ये स्टेप्स गाइज आप लोगों ने याद रखने हैं। तो जब भी हमने अपने सिस्टम को प्रमोट करना हो एज अ डोमेन सर्वर, तो फिर आप लोगों ने इस स्टेप्स को ज़रूर याद रखना होगा। अगर आप लोगों ने इसको याद नहीं रखा तो फिर आप लोगों को मुश्किलात का सामना होगा, यानी MCSE लेवल का जो काम है वो आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। सो ये हमारा सिस्टम जो है वो DNS जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। DNS के अंदर जो है प्रमोशन हो रहा है, यानी सिस्टम हमारा जो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो डोमेन में वो जो है कन्वर्ट होने जा रहा है। सो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, इस पर आप लोगों ने याद रखना है। वीडियोज़ को आप लोगों ने हमेशा सिक्वेंस में रखना होगा। सिक्वेंस में वीडियोज़ को आप ज़रूर रखा करें क्योंकि आप लोगों को अगर आपने कोई कोर्स सीखना हो या कोई काम सीखना हो तो आप लोग हमेशा जो भी कोई काम आप लोग सीखते हैं तो उसको आप सीक्वेंस के तौर पर जो है वीडियोस को देखा करें। और वीडियोस को आप सही तरीके से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार देखा करें ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस जो है वो सही तरीके से जारी हो, ठीक है। तो MCSE लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, DIT लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, इस कोर्स से फ़ायदा ले सकते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ पर ज़रूर, तो ये देख हमारा जो डोमेन सर्वर है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब देखते हैं आगे हम कि इसके अंदर और क्या, और कौन सा काम है, और कौन से काम जो है वो हमने याद रखने होंगे, ठीक है। अब ये हमारा सिस्टम जो है रिस्टार्ट हो गया क्योंकि वहाँ मैंने ऑप्शन चेक किया था कि सिस्टम को क्या करें, रिस्टार्ट करें। सो हाइपरवी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, तो हाइपरवी के अंदर जब भी आप लोगों ने काम करना होगा
एज़ यू कैन सी कि हमारा जो सिस्टम है वो रिस्टार्ट हो गया, और रिस्टार्ट होने के बाद हमारा जो सिस्टम है वो डोमेन में कन्वर्ट हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर कोड टेक, जो मैंने डोमेन नेम दिया था वो यहाँ पर कोड टेक के नाम और एडमिनिस्ट्रेटर के साथ जो है वो यहाँ ये यूज़र जो है आ गया। अब इसके अंदर हमने लॉग इन होने क्या करना होगा, हमने अब एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए इसको हम ओपन करेंगे, admin एडमिनिस्ट्रेटर, ये स्पेलिंग आप लोगों ने लिखना है। एडमिनिस्ट्रेटर और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना होगा, साइन होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी है, आप लोगों ने वो पासवर्ड जिसे देना है, जो आप लोगों ने इंस्टॉलेशन के वक्त आप लोगों ने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को जो पासवर्ड दिया है वो आप लोगों ने देना, ये ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर में चेंज हो गया। तो ये देख हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डोमेन सर्वर में कन्वर्ट हो गया। इसको हम कहते हैं प्राइमरी डोमेन। प्राइमरी डोमेन का मतलब क्या है कि हमारा जो सिस्टम है वो डोमेन प्राइमरी यानी मेन डोमेन में कन्वर्ट हो गया। हम डोमेन के टाइप्स पढ़ेंगे। ये जो हमने काम कर लिया ये प्राइमरी डोमेन है, तो प्राइमरी PDS जिसे हम कहते हैं प्राइमरी डोमेन सर्वर, तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अगर इसको मैं ज़रा रिफ्रेश कर दूं, ये थोड़ा सा लोडिंग कर रहा है क्योंकि ये सर्वर फीचर्स जो है ये ज़्यादा लोडिंग ले रहे हैं, इसलिए मैंने आपको तेज़ सिस्टम जो है वो सजेस्ट कर दिया कि आप लोग इस पे ज़रा काम करें या अपने सिस्टम को क्या करें ज़रा इम्प्रूव कर दें। ठीक है, तो ये हमारा जो सिस्टम है आप लोग देख सकते हैं कि ADDS और हमारा जो DNS सर्वर है ये इंस्टॉल हो गया। तो कम्प्लीटली हमारा सिस्टम जो है वो DNS सर्वर में तब्दील हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर कि हमने देख लिया कि हमने एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्टिव डायरेक्टरीज को कैसे इंस्टॉल करने और फिर उसी सिस्टम को हमने डोमेन सर्वर में कैसे कन्वर्ट करना है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन प्रमोट आवर सिस्टम एज अ डोमेन सर्वर यानी एज अ प्राइमरी डोमेन सर्वर, जिसको हम कहते हैं मेन डोमेन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आप लोगों ने आई होप कि इन्जॉय किया होगा इस वीडियो को। आप मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको सीक्वेंस में देखें और